नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पंकज। अभी हम मौजूद हैं पटना के महावीर स्थान में। यहां आपको हम बता दें कि आज 8 तारीख है और सारे जितने धार्मिक स्थल हैं आज जो है खुल चुके हैं, और सारे धार्मिक स्थल में कुछ नियम और शर्तों के साथ आज खोला गया है। अंदर चलते हैं, महावीर मंदिर में क्या क्या सुविधाएँ हैं उनको हम जानेंगे, किस प्रकार यहाँ भक्तजन जो हैं वो लाइन में लगे हुए उनके लिए क्या क्या इंतजाम किया गया है। तो अंदर जाके अगर आप देखेंगे तो व्यवस्था जो है कुल मिला के पूरी तरह से ठीक ठाक है। यहाँ जितने भी स्टैंड देख रहे हैं सभी के पास ग्लव्स और मास्क का व्यवस्था किया गया है। इनसे हम बातचीत करेंगे कि पहले जितने भक्त आते थे उतने आ रहे हैं या अभी फिलहाल शुरू हुआ है तो कितने आ रहे हैं। भक्त जो है अभी फिलहाल अभी आ चुके हैं, कितने आ रहे हैं? लगभग एक ही थोड़ा बहुत आए हुए हैं। उनके लिए मतलब कि इंतजाम जो है परिवार के लिए अलग है? पहले परिवार के लिए अलग है उस साइड में, और ये सिर्फ जेंट्स के लिए साइड में। आप लोग पूरा सेफ्टी के साथ अपना कार्य जी जैसे पहले था वैसे व्यवस्था जो है जैसे पहले था वैसे ही आप देख सकते हैं कि जूता चप्पल का स्टैंड है और यहाँ पे सभी के पास ग्लव्स है हाथ में, और परिवार के लिए अलग जो पहले था वैसे ही यहाँ पे काउंटर लगाया गया है। और व्यवस्था कहीं ना कहीं पुख्ता जो है इंतजाम के साथ महावीर मंदिर को आज सारे धार्मिक स्थल को खोला गया है। अगर हम इधर बात करें सैनिटाइजर की, तो सबसे पहले यहाँ आके यहाँ पे पैर से आपको सैनिटाइज करने के लिए डिटॉल हैंड वॉश रखा हुआ है। इससे आप पैर से जैसे ही इस पर पैर क्लिक करेंगे तो वहाँ पैर जब से दबाएंगे तो हैंड वॉश जो है इस पर आएगा, और उसके बाद यहाँ पे हाथ धोने का व्यवस्था है। उसके बाद मंदिर परिसर में अगर आप हम धीरे धीरे मंदिर परिसर की ओर चलेंगे और देखेंगे कि भक्तजन जो है, देखिए बाहर से कुछ लोग जो है भगवान का जो है दर्शन कर रहे हैं, और यहाँ जो है काउंटर खुल चुके हैं जैसे पहले था वैसे की तरह काउंटर खुल चुका है। अगर आपको अगर ऑनलाइन पेमेंट करना है तो भीम ऐप, पेटीएम के, गूगल पे के से आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। इस प्रकार से व्यवस्था जो है नियम और शर्तों के साथ यहाँ खुल चुका है। अभी देख सकते हैं कि सुरक्षा के साथ सभी को भक्तजन को जो है अंदर ले जाया जा रहा है। थर्मल स्कैनिंग पावर की जो है व्यवस्था जो है यहाँ पे की जा रही है, किस प्रकार के करके जो भक्त हैं उनको उनकी जांच की जा रही है, और उसके बाद थर्मल स्कैनिंग पावर की जांच की जा रही है, उसके बाद मंदिर परिसर में उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। और सुरक्षा के दायरे में देख सकते हैं कि यहाँ सारे सुरक्षाकर्मी जो है मौजूद हैं और सभी का थर्मल स्कैनिंग करते हुए अंदर जा रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे व्यवस्था लगाया गया है सैनिटाइज करने का, कि हाथ को आप सैनिटाइज कर सकते हैं। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आप नीचे देखिए घेरा बना हुआ है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, और उसके बाद जो है भक्तजन को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। एक एक करके जो है यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से घेरे जो हैं बने हुए हैं। इसी में भक्तजन को एक एक गज की दूरी पे खड़ा होना है जितने भी भक्त आएंगे। उसके बाद अभी हम मंदिर परिसर के अंदर आ चुके हैं। आज जो है मंदिर फिर से खुल चुका है और महावीर मंदिर का दर्शन जो है भक्त जो है जिनका लंबे अरसे से इंतजार था वो भक्त आज फिर से महावीर मंदिर यानी हनुमान जी का दर्शन करने आ चुके हैं। और यहाँ पे फिलहाल अभी भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन कल मंगलवार है, कल जो भीड़ होती थी पहले वैसे ही जो है भीड़ होगी। इसके दायरे में यहाँ पे सारे इंतजाम जो है पुख्ता कर लिया गया है। अंदर आप देख सकते हैं दृश्य में कि भक्त जो है किस प्रकार यहाँ पे लाइन लगे हुए हैं, और महावीर मंदिर का आपको हम दृश्य दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से महावीर मंदिर पिछले डाउन और वायरस के कारण बंद था उसे आज जो है खोल दिया गया है, और भक्त जो है यहाँ पे पहुँच रहे हैं। फिर हम अंदर चलेंगे और अंदर चल के सारे व्यवस्था को हम देखेंगे, आपको हनुमान जी को भी हनुमान जी का दर्शन भी आपको करवाएंगे। अंदर चलते हैं और हनुमान जी का जो दर्शन है, भक्त किस प्रकार लाइन में लगे हुए हैं, कितने खुश हैं, उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। तो ये मंदिर के अंदर जो है प्रवेश कर चुके हैं। उसके बाद आप देखिए कि किस प्रकार से हनुमान जी के भक्त जो है यहाँ पे खड़े हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि मंदिर परिसर के अंदर हम आ गए हैं। और इसके बाद यहाँ पे
आपको सीधे तौर पे हनुमान जी के जो दर्शन है साक्षात वो हम करवा रहे हैं कि देखिए अभी मंदिर परिसर खुल चुका है, पुजारी भी जो है पूरे सुरक्षा इंतजाम के साथ यहाँ पे मौजूद हैं, मास्क और ग्लव्स लगा कर यहाँ पुख्ता इंतजाम के साथ पुजारी है। फिलहाल हम आपको हनुमान जी की दर्शन करवा रहे हैं, जिस प्रकार आप देख सकते हैं महावीर मंदिर खुल चुका है और आपको हम बजरंग बली की दर्शन करवा रहे हैं महावीर मंदिर का। फिलहाल इतने भक्त जो हैं, भक्त जन जो हैं बहुत इतने नहीं हैं, फिर भी जितने होने चाहिए भक्तों के लिए उतने हैं, लेकिन कल मंगलवार है, आपको हम बता दें कि आज सोमवार है, कल मंगलवार है, तो कल भक्त जन आने का ज़्यादा चांस है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी भक्त आए हुए हैं उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए एक बॉक्स बनाया गया, घेरा बनाया गया, उसमें जो है उन्हें बैठाया जा रहा है। और किस प्रकार से यहाँ पे काफ़ी अंदर हम मौजूद हैं और काफ़ी भीड़ जो है उतनी अभी नहीं हुई है, और नियम और सबसे गुस्सा जो महावीर मंदिर खुला है वो तो बाकी है, भक्तजन जो है यहाँ पे आए हुए हैं और उसके बाद बाहर चलेंगे और कुछ पुजारी हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये महावीर मंदिर के पुजारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ व्यवस्था है इस मंदिर में, कितने भक्त जो पहले आते थे वैसे कितने सुबह से यहाँ पे कतारें लगी है भक्त की, ये हम बातचीत करते हैं। बाबा ये बताइए कि भक्त जो है सुबह से ही आ रहे हैं? सुबह से आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। क्या क्या व्यवस्था किया गया? सारा व्यवस्था कर दिया गया, जैसे आप देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, घंटी बांध दिया गया, प्रसाद नहीं चढ़ रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं, अच्छा कुछ व्यवस्था के लिए सारे इंतजाम के लिए कर दिया गया है। हाँ, सारा कुछ व्यवस्था हो गया, सब कुछ बढ़िया, हनुमान जी की कृपा से दर्शन भगवान का कर रहे हैं। से मंदिर के द्वार जो है खुल चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे भक्तों के लिए, क्या क्या व्यवस्था किया गया है? भक्तों के लिए सबसे पहले तो सैनिटाइजेशन है, आने के साथ ऑटोमेटिक प्रबंध किया गया कि आप हाथ बढ़ाइए, छूने की भी जरूरत नहीं है, हाथ सैनिटाइज हो गए, मास्क लगा कर आना है, उसके बाद सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। मंदिर में केवल लड्डू या नैवेद्यम चढ़ा सकते हैं, फूल माला चढ़ाना भी बंद है, प्रणामित वितरण बंद है, टीका लगाना बंद है, घंटों में कपड़े बांध दिए गए, घंटा बजाना बंद है। इस तरह से जहाँ जहाँ संपर्क हो सकता है जिससे संक्रमण होगा तो सारे अभी बंद किए गए हैं, एक सप्ताह के बाद हम लोग समीक्षा करते हैं। नियम में नियम और शर्तों के साथ मंदिर परिसर को खोल दिया गया है? हाँ जी, इनके साथ मंदिर परिसर पहले 5 बजे से 11 बजे तक खुलता था, फिर 6 बजे सुबह से रात में बंद होता था। भक्त है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, भक्त जो आए हैं उनसे हम मिलेंगे, उनसे बात करेंगे किस प्रकार उन्हें जो है यहाँ पे आकर अच्छा लग रहा है, पहले जैसे आते थे वैसे यहाँ पे भक्त एक एक करके कतारबद्ध जो है भक्त जो आ रहे हैं, तो उनको कितना खुशी मिल रहा है इतने दिनों के बाद आकर, कैसा लग रहा है उन्हें, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा मंदिर खुला है, बहुत अच्छा, खुशी की बात है, इसीलिए मैं स्पेशली जॉब छोड़ के जॉब से छुट्टी लेके आया हूँ आज। छुट्टी लेके हाँ, बरबीघा से मैं आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे? बजरंग बली से अब आए हैं, तो बहुत दिनों के बाद करीब लगभग 3 महीने हो गए दर्शन किए हुए, सोचा कि चलो आज दर्शन कर लिया जाए, चूँकि मंदिर खुल चुका है, फिर पता नहीं जॉब में जाने के बाद कब फुर्सत मिले कब नहीं मिले। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अमित कुमार शर्मा। कितने दिनों बाद महावीर जी का दर्शन किए, कैसा लग रहा है? बहुत आनंद हुआ, प्रभु के दर्शन के लिए हम लोग ललायत थे, हम लोग चाह रहे थे कि कितना जल्दी खुले, लेकिन आपदा के कारण क्या किया जाए, हम लोग सब जानता मजबूर हैं, इसलिए खुला तो आनंदमय हुए, आए दर्शन किए, प्रभु से दर्शन कर बहुत खुश हुए। अब क्या कहना चाहिए हनुमान जी से? हनुमान जी से कहें कि हमारी आपदा को अपने हरण करें, हमारे कष्टों को हरण करें, हमारे समाज के हमारे जितने भी वर्ग के लोग हैं सबको दुख दूर करें, वो तो संकट मोचन है, वो तो दुख दूर करना उन्हीं के हाथ में है, हम लोग बिंदी करके आए हैं, अब देखिए अब उनके हाथ में है जो करें। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार, आदापुर श्यामपुर बाजार। ये बहुत खुशी का बात है कि पूरे इंडिया हम लोग मिल के कोरोना को मात दिए, और मैं पूरे देशवासियों से अनुरोध करूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के ही काम करें, और सभी को एक दूसरे से हाथ बताएं और साथ दें और मिलकर चलें। मंदिर परिसर में आए तो क्या क्या इंतजाम है? व्यवस्था यहाँ अच्छा लगा यहाँ का, लेकिन
जितने जो हमारे भक्तगण हैं सभी से अनुरोध है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के ही काम मतलब पूजा अर्चना जो भी है करें। अच्छा लगा दर्शन करके आज जी हम आपको कैसा लगा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा इतने दिनों बाद महावीर जी का दर्शन किया है। हाँ अच्छा लगा, अच्छा से पूजा पाठ कर लिए महादेव के महावीर के अच्छा से खुशी से। यहाँ के इंतजाम के बारे में क्या? यहाँ के इंतजाम एकदम सुरक्षा सब सही है, सगड़ों एकदम अपना अथी सुरक्षा में रखे हुए हैं कि कोई एक तरह से दूसरा के अथी नहीं कर पाए, इसलिए। आपने देखा कि हनुमान मंदिर का कितना व्यवस्था पुख्ता इंतजाम के साथ भक्तों के लिए यहाँ पे सारे व्यवस्था जो है कर लिए गए हैं और नियम और शर्तों के साथ जो है जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको आज खोले गए हैं और महावीर मंदिर में जितने भी भक्त आए हैं वो काफ़ी उनके चेहरे पे काफ़ी खुशी देखी गई। लोग यहाँ आए थे उनका यही कहना था साफ तौर पर कि इतने दिनों बाद हम मंदिर परिसर में आए हैं, हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं तो हमें काफ़ी खुशी हो रही है। फिलहाल हमारे साथ आप बने रहे, हमारे YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाकर आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Facebook पर भी आप हमारे चैनल आर्यभट्ट को लाइक कर सकते हैं, Twitter पर भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ पंकज कुमार, आर्यभट्ट न्यूज़, पटना।